आज मेले का लास्ट दिन है, इसलिए यहाँ इतना भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। लगातार गाड़ियां आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं एक मिनट में 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। और ये कटघरी गांव है जो कि गिरौदपुरी जंगल के बीच में है, और लगातार गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं एक मिनट में 20-30 गाड़ी यहाँ पर आ रही है। पूरा गाड़ी देखो, एक घंटे में इतना गाड़ी पार्किंग हुआ है, अभी एक घंटे में इतना गाड़ी पार्किंग हुआ है दोस्तों। अभी मैं यहीं पर हूँ, अभी मैं भी गाड़ी यहाँ रखूंगा, यहाँ से अभी पैदल जाऊंगा छाता पहाड़ पर चुंडी। तो हम लोग पहुँच गए हैं छाता पहाड़, और आप लोग यहाँ का माहौल देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। और संत गुरु घासीदास बाबा जी जो सतनामी समाज के प्रवर्तक हैं, सतनाम धर्म के प्रवर्तक हैं, यहीं पर तपस्या किया था बाबा जी ने 6 महीने तक, इसीलिए यह एक दर्शनीय स्थल के रूप में माना जाता है छाता पहाड़, जो कि जंगल से चारों तरफ घिरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं छाता पहाड़ के चारों तरफ लोग भुइयां नाप रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं छाता पहाड़ में, नारियल प्रसाद, और सभी तपस्वी लोग, ज्ञानी लोग, यहाँ पर संत लोग बैठे हुए हैं। अभी सवेरे का माहौल है, इसीलिए भीड़ कम दिखाई दे रहा है। वैसे गिरौदपुरी में लोग हमेशा घूमने जाते हैं, हमेशा भीड़ रहती है। अभी मेले का समय है, इसीलिए ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं छाता पहाड़ का पूरा सीन। यहाँ छाता पहाड़ के चारों तरफ लोग भुइयां नाप रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, कई लोग दीपक जला रहे हैं, सभी संत जन बैठे हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि छाता पहाड़ एक बहुत ही विशाल पत्थर है, और उसके बगल में एक और पत्थर जो सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे एक झरने जैसा स्थान है, आप लोग यहाँ देखिए, ये छाता पहाड़ है जो बहुत ही विशाल पत्थर है, चट्टान जैसे, और इसके बगल में यहाँ पर जैत स्तंभ बना हुआ है, और प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है यहाँ पर। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पर पंथी गाने चल रहे हैं, इसीलिए अपना मतलब यहाँ मैं साउंड को बंद कर दिया हूँ वीडियो का, और थोड़ा टाइम के लिए ही बंद हुआ है, आगे फिर से साउंड आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी प्रसाद वितरण हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सभी संत लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा शांत महसूस होता है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसे रहता है, नशा मुक्त। गिरौदपुरी धाम में अभी
मेले में गुटखा पानी सब वितरण बंद है, आप लोगों को कहीं भी गुटखा पानी सिगरेट नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ संतों का डेरा रहता है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग आज 16 तारीख है और आज मेले का लास्ट दिन है और हम लोग अभी पचकुंडी धाम पहुंचे हैं घूमते घूमते, और आप लोगों को दिखा रहे हैं पचकुंडी धाम का पूरा माहौल कैसा है यहां पर। ये पचकुंडी धाम है, देखिए कैसा माहौल है यहां का। यहां पर 5 कुंड है, इसीलिए इसको पचकुंडी धाम बोलते हैं। एक कुंड वहाँ है, 2, 3, 4 और लास्ट वाला 5 कुंड है यहाँ पर। जोड़ा जैत स्तंभ बना है यहाँ पर और ये जस्ट पहाड़ के नीचे में है। यहाँ से नीचे का नजारा दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है। पचकुंडी ये जो कुंड है, इसमें के पानी को सब घर लेकर जाते हैं। देखिए आप लोग, 5 कुंड से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर जाते हैं। देखिए पानी भर के ले जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं। अभी एक कुंड खाली है, बाकी सब में पानी है। ये देखो पानी को सब लोग भर रहे हैं यहाँ पर बॉटल में।
ये पानी को क्या करते हैं भैया, घर ले जाके इसको यह चरण कुंड अमृत कुंड पांच कुंड के पानी भैया यह यानी कि है अमृत पानी होकर घर में जल में छीट सकता है तो कभी अच्छा भी है आपके दवाई के रुपये। कहाँ से अभी आप में कहाँ मैं पांगड़ क्या है जिला जांजगीर।